हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिकअप के बारे में। दोस्तों इसको आम जबान में हिचकियां भी बोलते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे क्या किसी के याद करने से हमें हिचकियां आती है, क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है। दोस्तों अगर आप घर पर हैं, आपको हिचकियां ज़्यादा आ रही है, तो आप ये भी बात करेंगे कि इसको घर पर कैसे आप कम कर सकते हैं और इसको कम करने में कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमें हिचकियां कैसे आती है। दोस्तों ये सब फजूल बात है कि किसी की याद करने से हमें हिचकियां आती है। दोस्तों ये फजूल बात है, तो उसको सेट कर दो। दोस्तों मेन एक्चुअली बात करते हैं कि हमें हिचकियां कैसे आती है। दोस्तों हमें हिचकियां आती है डायफ्राम की वजह से। दोस्तों ये डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे रहता है, तो आप सोच रहे होंगे कि डायफ्राम की वजह से हमें हिचकियां कैसे आती है। तो दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम रहता है वो नीचे चले जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम रहता है वो ऊपर चले जाता है। दोस्तों कभी कभी वो जो डायफ्राम रहता है वहाँ पे ही सुखड़ जाता है। तो क्या होता है कि दोस्तों जब हम सांस लेते हैं जो एयर रहती है पूरी हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है और वो बाहर जल्दी से नहीं निकलती। दोस्तों इस वजह से हमारे गले में मौजूद क्लोटिस एकदम से सडनली बंद हो जाता है। दोस्तों जो हमारी हिचकी की आवाज़ आती है, तो दोस्तों वो उसी की आवाज़ आती है। दोस्तों हमें ये तो मालूम है कि हमें हिचकी कैसे आती है दोस्तों, लेकिन अभी तक ये कोई पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार हिचकी हमें क्यों आती है। दोस्तों हमें हिचकी क्यों आती है, ये एक मिस्ट्री है। दोस्तों अभी तक इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाए। दोस्तों बात करते हैं हिचकियों को घर पर ही कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों हिचकियों को कम करने के लिए अब एक गिलास ठंडा पानी पीने से भी हिचकियाँ कम होती है। दोस्तों और अपने दीदों को भी एकदम प्रेस करने से भी हिचकियाँ कम हो सकती है। दोस्तों इससे भी कम नहीं हो रहा, तो अपनी नाक को ऐसा कुछ अब कितना समय हो सके उतना समय ऐसा पकड़ना चाहिए, इससे भी हिचकियाँ कम हो सकती है। दोस्तों नहीं तो आप अपनी सांस को आप कितना रोक सकते हैं उतनी देर रोकने की कोशिश करें, इससे भी आपकी हिचकियाँ कम हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं हिचकियों को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है। दोस्तों ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए देखें, आप खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन भी ट्राई नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही ट्राई करना चाहिए। दोस्तों इसको यूज़ होते हैं कोई भी एंटासिड मेडिसिन, जैसे आप रैबिस जैसा रैबिप्रोजल डोम्प्रोडिन या पेंटोप्रोजल या ओमिप्रोजल कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, इससे आपको आपकी हिचकियाँ कम हो सकती है। या आप एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट ले सकते हैं जैसे मेफ्रेलिस्पास स्पास्मोनिल, इससे भी आपको आपकी हिचकियाँ कम हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको कुछ सीखने मिला होगा या कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हो कमेंट करें। दोस्तों और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।